आगरा के जगदीशपुरा थाने में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने आधे घंटे तक मृतक के परिजनों से बातचीत की। इस दौरान मृतक अरुण वाल्मीकि के परिजनों ने उन्हें घटना के बारे में बताया। मुलाकात के बाद भीम आर्मी चीफ ने कहा कि अरुण को चोरी के झूठे आरोप में फंसाया गया था, इसलिए दलित सबके लिए मोहरा है। वो थाने में 12 साल से काम कर रहा था, लेकिन आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई। पुलिस वालों को बचाने के लिए अरुण की हत्या की गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गूंगी बहरी सरकार है, जो लोग 50,000 करोड़ लेकर फरार हो जाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि अरुण दलित समाज है, इसीलिए मुआवजा राशि में भेदभाव किया गया। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या पर सरकार ने 40 लाख का मुआवजा दिया। अरुण के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए, वो भी SC ST एक्ट का मुआवजा होगा। सरकार ने कुछ नहीं दिया। गुंडे और वो सब सामान जो है ना, वो हथौड़ियां और वो अलमारियां तोड़ ली है, वो लॉकर तोड़ लिए, और कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पीटा गया हो। एक आप समझिए कि पीड़ित की बहन, उनके ससुर, उनके चाचा, उनके देवर, उनके पति, भरतपुर राजस्थान कहां। मैं समझता हूं कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जो आगरा में हुआ है वो हाथरस से भी बुरा। क्या लगता है अब तक की कार्रवाई से क्या संतुष्ट है? क्या कार्रवाई है पुलिस के खिलाफ? जिन लोगों ने मारा है वो तो चेहरे रो कौन रहा है? इस परिवार के अलावा रो तो ये रहे हैं, तकलीफ तो ये झेल रहे हैं। जिन्होंने किया वो तो चैन तो सो रहे हैं। जांच ट्रांसफर हो गई है, जांच किस बात की? अभी तो इस परिवार से वो दाग धुलेगा जो इस परिवार के ऊपर लगाया गया है कि चोरी इस परिवार के व्यक्ति ने की थी। इसकी घटना की CBI जांच होनी चाहिए। इस सरकार में दलितों के साथ जो हिंसा हो रही है, चाहे पुलिस द्वारा, चाहे सरकार के गुंडों द्वारा, चाहे सामंतों द्वारा, वो देखने लायक है कि आज अगर दलित कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में। परिवार के आंसू नहीं सूखे हैं। मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि पुलिस के लोग किस परमिशन से घर में अंदर घुसे हुए हैं। ये उनका घर है, वो तय करेंगे कौन अंदर आएगा कौन जाएगा, लेकिन पुलिस के लोग अंदर कैसे घुस रहे? पुलिस के लोग किस बात का दबाव बना रहे हैं कि परिवार ये कहे कि हार्ट अटैक से मर गया है? कहां, कौन सा हार्ट अटैक से मर गया? 12 साल का था वो जब से वहां काम कर रहा है। वो अगर चोरी करता तो पहले भी करता था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने क्यों चोरी की, किस बात से चोरी की, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें पुलिस को पता है। लेकिन वो एक अच्छा सच्चा आदमी अपनी बात ना कह देता, इसलिए उसकी हत्या कर देगी। 3 बच्चे हैं उसके। मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि सामाजिक न्याय ये है, सबका सरकार। अगर तिवारी जी की हत्या होगी तो 40 लाख रुपए, गुप्ता जी की हत्या होगी 40 लाख रुपए, और इसकी हत्या की गई है तो 10 लाख रुपए एहसान कर रहे हैं, और वो भी मुझे पता है SST एक्ट के पैसे होंगे। सरकार ने कुछ नहीं दिया है, कौन सी नौकरी देंगे उनको? तो OSD की क्लास 1 की नौकरी, हमारे परिवार कौन सी नौकरी देंगे? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री, बताएं कि 10 लाख रुपए में एक बच्चा पढ़ लेगा? उसकी 2 बेटियां हैं, एक बच्ची 1 महीने की है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 1.25 महीने तक महिला बाहर भी नहीं निकलती जिसकी डिलीवरी होती है। उस बच्ची को उठा के ले जाकर पीटा है, उसकी हालत इतनी गंभीर है उसकी भी जान जा सकती है, कौन जिम्मेदारी लेगा? वहीं चंद्रशेखर ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर CBI जांच नहीं होगी तो वो आगरा में धरना देंगे, DM और SSP को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। पंजाब केसरी TV के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।